शायराना अंदाज में सुरेंद्र राजपूत साहब यहाँ पर काफिया मिलाया गया जफर भाई की तरफ से। और उसी का उसका नाम कांग्रेस आई है, कांग्रेस आई है, उसका नाम है कांग्रेस, उसका नाम कांग्रेस आई है, सुरेंद्र राजपूत जी आई है। तो अब ये सुन लीजिए, अरे जफर भाई आप सुन लीजिए, कहते ना कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। इस समय भाजपा की कश्ती शिकस्ता है, चाहे अमित शाह खें, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने खेके देख ली ना कर्नाटक में। और मैं एक बात और बताता हूं जफर भाई, कर्नाटक में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था ना, वहां पर भी बुरी तरीके से हारे, यहां शाहजी का नेतृत्व है, बुरी तरीके से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर क्या लिया है, आप बात समझ लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सुनिए, सवाल है आप ही से, सवाल है, शिकस्ता दिल थे लेकिन शिकस्त खाई तो नहीं थी ना। यहाँ तो चुनावी राजनीति के जो चाणक्य हैं उन्होंने बागडोर अपने हाथ में ली है, तो फिर आप कैसे अभी से फैसला सुना रहे हैं। और ओपिनियन पोल का आंकड़ा कुछ ही देर में एबीपी न्यूज पर दिखाऊंगी मैं आपको, छत्तीसगढ़ में आपकी बार किसकी सरकार, लगातार रही है हमारे साथ। आइए सुरेंद्र राजपूत जी। क्या यार जी, बहुत शुक्रिया आपका। दो तीन चीज, पहली चीज तो चाणक्य के नाम पर तमाम जो लोग ब्लॉन्ड लोग हैं, जो गंजे लोग हैं, उनको चाणक्य मान लिया। अरे चाणक्य गंजे नहीं थे, बात समझ लीजिए। और यही चाणक्य थे जो क्या नाम आप दिल्ली में भी हारे, यही चाणक्य थे जो बिहार में, यही चाणक्य थे जो बंगाल में भी हारे 200 पार, कर्नाटक में भी यही चाणक्य हारे, महाराष्ट्र में भी यही चाणक्य हारे। हम इसकी बात नहीं करते, हम आपको दूसरी बात बता रहे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं दरी बिछाएंगे, जफर इस्लाम भाई दरी बिछाएंगे, हमारे हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से जाएंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या नाम सुधांशु त्रिवेदी दरी बिछाएंगे, हमारे यहाँ के क्या नाम अजीत पवार दादा जो है जाएंगे उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या नाम ये सब लोग दरी बिछाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे उड्डयन मंत्री बन जाएंगे, उनके 15-16 लोग मंत्री बन जाएंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में बीमारी आ गई ना, पार्टी हॉपर्स को सम्मान देने की और अपने कार्यकर्ता का अपमान करने की, इसकी वजह से आप इस चीज को जान लीजिए, छत्तीसगढ़ भी हारेंगे, डॉक्टर रमन सिंह का अपमान कर रहे हैं। 15 साल आपने मुख्यमंत्री बना रखा था, बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस बात का जिक्र अभी सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे थे, और ये जो 21 उम्मीदवारों की लिस्ट छत्तीसगढ़ में आई, पार्टी हॉपर्स इसमें वो कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, इसमें कई बड़े नेताओं को किनारे लगाकर पार्टी ने अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका दिया, ये कोर्स करेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, पंचायत और जिला स्तर के नेता हैं जो इससे पहले इनमें से ज्यादातर कोई चुनाव लड़ा नहीं है, कम से कम विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसे लोगों को टिकट दिया। देखिए हर पार्टी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरीके से बढ़ती है। कांग्रेस भी एक लंबे समय तक जो है बाहर से लोगों को लेती रही है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सब अशोक मेहता से लेकर जो है चंद्रशेखर और तमाम लोग आए, तो पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। ये बात सही है सुरेंद्र राजपूत जी की, कि इस समय बाहर से आने वालों की संख्या और उनको पद देने ज्यादा पूछ है, जो ज्यादा पूछ। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, वो छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो है आपका इंतजार कर रहा है। तैयारी बड़ी एबीपी न्यूज पर हमने की है, छत्तीसगढ़ में आपकी बार किसकी सरकार, इसी सवाल का जवाब बस चंद लम्हों का इंतजार और है, और तैयारी देख लीजिए जो हमने की है। मेरी सहयोगी दीपा को आप देख रहे हैं, इलेक्शन सेंटर में इस वक्त मौजूद है जहां पर जानकारियां आनी शुरू हो गई हैं, और डेटा सेंटर से शीरीन उन्हीं जानकारियों को आप तक पहुंचाने की तैयारी में जुटी हुई है। बस थोड़े से इंतजार के बाद वो बड़ा आंकड़ा ओपिनियन पोल का, क्योंकि त्वरित सर्वे से जुड़े सवाल हमने आपके सामने रख दिए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।